हरे कृष्णा। तो आज हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि देवउठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, उसके महात्म्य के विषय में जानेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि इस एकादशी के अन्य तीन नाम और हैं, हरिबोधिनी, प्रबोधिनी एवं उत्थान एकादशी। तो एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिवर, आज मैं आपको सभी पापों को नष्ट करने वाली एवं अत्यंत ही पुण्य देने वाली एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उसका महात्म्य आपको सुनाऊंगा। नारद मुनि ने पूछा, हे पिताजी, इस एकादशी को पूरे दिन उपवास करने से या फिर संध्या को एक समय भोजन करने या दोपहर में एक भोजन करने से क्या लाभ मिलता है, कृपया बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जो इस एकादशी को दोपहर के समय एक बार भोजन खाता है, उसके पूर्व एक जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रात्रि को भोजन प्राप्त करता है, उसके पूर्व दो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु जो पूरा दिन उपवास करता है, उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई इस दिन व्रत करने के साथ साथ पूरी रात्रि को जागरण भी करता है, तो उसके सुमेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार कोई बड़े से रुई। और यदि कोई इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है, तो उसे सुमेरु पर्वत के समान फल प्राप्त होता है। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो व्यक्ति जिसने कभी भी किसी भी व्रत का पालन नहीं किया, या फिर उसने वेदों की आलोचना करी है, या जो किसी की खुशी में प्रसन्न नहीं होता, किसी की सेवा की प्रशंसा नहीं करता, जो अत्यंत ही छल और कपट से भरा हुआ है, जिसका चरित्र अस्वच्छ है, जो अपने गुरु गुरु के समक्ष गुरूर प्रस्तुत करता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि हरिबोधिनी एकादशी व्रत के पालन करने का निर्णय लेता है, तो उसके 100 पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मृत्यु उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, और उसके पूर्वज भी विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जो इस पापहारिणी एकादशी का विधि पूर्वक पालन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने, गोदान या स्वर्ण दान करने जैसा फल प्राप्त होता है। और इससे अधिक यह भी बताया गया है कि उस दिन तीनों लोकों के समस्त तीर्थ स्थान उस व्यक्ति के घर में आकर निवास करते हैं। क्योंकि ये हरिबोधिनी एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो इस दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन करता है और पूरी रात्रि जागरण करता है, उसे निश्चित रूप से अन्य गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इस एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान जनार्दन अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वे उस व्यक्ति को अपने भगवत धाम वापस ले जाते हैं, और धाम जाते समय वह व्यक्ति 10 दिशाओं को दीदीप्यमान करता है। जो व्यक्ति प्रसन्नता या सुंदरता के इच्छुक हैं, उन्हें भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, विशेषकर अगर ये द्वादशी के दिन पड़े तो। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि इस एकादशी के व्रत का पालन करने से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन दिए गए दान से भी सहस्त्रों गुना उत्तम है। और जो पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, या फिर इस हरिबोधिनी एकादशी के व्रत का पालन नहीं करता, तो उसके पूरे जन्म के कमाए गए पुण्यों का फल रहित हो जाता है। तब नारद मुनि ने अपने प्रतापी पिता से कहा, हे देवश्रेष्ठ, कृपया करके मुझे इस पवित्र एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने बोला, जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करने का निर्णय लेता है, उसे उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अपने दांत साफ करने चाहिए और तत्पश्चात स्नान करना चाहिए। उसके बाद उसे भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए और उनके विषय में कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर उसे भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यह दिन आपको अत्यंत ही प्रिय है, तो मैं इस दिन पूरा दिन निराहार रहूंगा और कल आपका पवित्र भोजन या प्रसाद ग्रहण करूंगा। आप ही मेरे आश्रय हैं, कृपया करके मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने के बाद व्यक्ति को प्रसन्न चित्त होकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। उसे भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भजन गाने चाहिए, मस्ती में नृत्य करना चाहिए और संगीत में वाद्यपूर्ण यंत्र बजाते हुए भगवान का पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे उसे भगवान के शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि इस दिन हमें भगवान श्री हरि को फल, कपूर,
तुलसी दल और सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार जो तुलसी महारानी के केवल दर्शन मात्र करता है, उन पर ध्यान लगाता है, उन्हें प्रणाम करता है या उनका सिंचन करता है, उसे भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त होता है। और जो इस पूरे कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष और तुलसी महारानी के समक्ष घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया अर्पित करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस व्रत को तोड़ने के लिए किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए और उनकी आज्ञा से ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरिबोधिनी एकादशी, जिसे देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं, का महात्म्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।